पंजाबी एक्ट्रेस, सिंगर और बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह सुख पर 40 वर्षीय महिला का बलात्कार करने का आरोप लगा है। महिला ने इससे जुड़ी शिकायत पंजाब पुलिस में दर्ज कराई है और दावा किया गया है कि संतोख सिंह ने बंदूक की नोक पर महिला के साथ जबरदस्ती की है। इस मामले को लेकर खुद शहनाज गिल के पापा संतोख सिंह सुख ने सफाई पेश की है। एक लोकल चैनल को दिए इंटरव्यू में संतोख सिंह ने बताया कि जब महिला ने इस घटना का आरोप लगाया तो वह पूरे दिन अपने घर पर ही थे। इसके साथ ही संतोख सिंह ने बताया कि उनका पूरा घर सीसीटीवी की निगरानी में है, जो कि इसके लिए पर्याप्त सबूत भी है। शहनाज के पिता ने इंटरव्यू में कहा, मैं पूरे दिन घर पर ही था जब महिला ने इस मामले का आरोप लगाया। मेरा पूरा घर सीसीटीवी की निगरानी में है, जो कि पर्याप्त सबूत भी है। वह महिला तलाकशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। वह मेरे बिजनेस पार्टनर लकी संधु से शादी करना चाहती है। मैं लकी को लंबे समय से जानता हूं और मैंने उन्हें अपना ये निजी मामला खुद के बल पर सुलझाने की सलाह भी दी है। संतोख सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जिस जगह कथित घटना हुई है वह भी जाहिर तौर पर सीसीटीवी की निगरानी में है। बता दें कि संतोख सिंह मशहूर नेता हैं और वे पंजाब के करीब 290 गांवों की देखभाल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह फरार हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है जो उन्हें निर्दोष साबित कर सकती है। बता दें कि बिग बॉस के बाद से ही शहनाज गिल अपने भाई शहबाज के साथ मुंबई में रह रहे हैं। उन्होंने लोखंडवाला में एक जगह किराए पर ली हुई है। मामले को लेकर दोनों में से किसी ने भी पंजाब जाने की योजना नहीं बनाई है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।